सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण हुआ है। काले रंग की ओमनी कार से आए थे अपहरणकर्ता और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और आपको बता दें कि बात थाना इलाके के लखनपुर गांव से ये अपहरण हुई है। तो खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण किया है। काले रंग की ओमनी कार से अपहरणकर्ता आए थे, जिन्होंने 5 बच्चों का अपहरण किया है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। अपहरण बात थाना इलाके के लखनपुर गांव से हुई है। तो आपको बता दें कि काले रंग की ओमनी कार से अपहरणकर्ता आए थे और सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण करके फरार हो गए हैं। हालांकि सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है। ये अपहरण बात थाना इलाके के लखनपुर गांव से हुई है। खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण किया गया है। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता काले रंग की ओमनी कार से आए थे और उन्होंने 5 बच्चों का अपहरण किया है और ओमनी कार में 5 बच्चों का अपहरण कर वो फरार हो गए हैं। हेलो, तो खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण हुआ है। काले रंग की ओमनी कार से अपहरण करता है और फिर 5 बच्चों का अपहरण कर वो फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है, छानबीन जो है वो जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। अपहरणकर्ता 5 बच्चों का अपहरण करने आए थे और 5 बच्चों को ओमनी कार में, जो कि काले रंग की कार थी, उसमें बिठाकर 5 बच्चों का अपहरण कर लिया गया है। लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है। सभी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर तफ्तीश शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि अपहरणकर्ता काले रंग की ओमनी में आए थे और उन्होंने 5 बच्चे का अपहरण किया है और ये अपहरण बात थाना इलाके के लखनपुर गांव से हुई है। तो खबर इस वक्त की भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज से 5 बच्चों का अपहरण किया गया है। 5 बच्चे जो थे वो नाबालिग थे और 5 बच्चे का अपहरण कर काले रंग की ओमनी कार में उनको बिठाकर उनका अपहरण कर जो अपहरणकर्ता थे वो फरार हो गए हैं। काले रंग की ओमनी कार से अपहरणकर्ता आए थे। भागलपुर से डब्लू जुड़ चुके हैं विशेष जानकारी के साथ। डब्लू, काले रंग की ओमनी कार से जो अपहरणकर्ता थे वो आए थे, अब तक पुलिस क्या कुछ तफ्तीश कर पाई है और क्या अपहरणकर्ता की जानकारी मिल पाई है अब तक? बच्चे का एक साथ अपहरण हुआ है। अपहरण के बाद जो है लोग सड़क पर उतर गए हैं। अभी तक पुलिस पर अधिकारी जो है बढ़िया अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर जिलों में ज्यादा आक्रोश है और एक साथ वहाँ बच्चों का अपहरण। बड़ी सवाल खड़ा होता है कि कितने सुरक्षा व्यवस्था रहने के बावजूद भी एक साथ बच्चों का अपहरण क्यों कर लिया जाना? कहीं ना कहीं पुलिस के कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इसको लेकर के परिजनों ने घटना के बाद जो सड़क जाम कर दिए हैं, उसके बाद 3-4 थाने की पुलिस पहुंची है। परिजनों का मांग है कि जब तक बच्चे सकुशल बरामद नहीं कर लिए जाते हैं तब तक हम लोग सड़क जाम को नहीं हटाएंगे। इन्हीं को लेकर के, इन मांगों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबी सड़क जाम के कारण लंबी जाम भी लग गए हैं। पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी मिल चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी को इसकी जानकारी मिल चुकी है। जिले से बड़े अधिकारी के आने की सूचना मिल रही है। जब तक बड़े अधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक परिजन कुछ भी
सुनने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मांग है, हमारे जो ननिहाल पहुँच बच्चे का अपहरण हुआ है उसकी संकुशल बरामदगी तत्काल किया जाए। अपहरण करता किस मकसद से है, कहाँ ले गया है बच्चे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के परिजन आक्रोशित है और यही मांग कर रहे हैं। डब्लू, जिस तरीके से पांच बच्चों का अपहरण किया है, तो पांचों बच्चों का अपहरण क्या एक ही जगह से किया गया या अलग अलग जगहों से पांच बच्चे का अपहरण किया गया है? क्या एक ही उम्र के सभी बच्चे थे? देवघर मुख्य मार्ग के लखनपुर एक गाँव है, ये छोटी सी टोला है झोली टोला, वहीं पर उन सभी बच्चों का घर है। सभी बच्चे एक साथ सड़क के किनारे खेल रहे थे। अपहरणकर्ता पहले से एक काली रंग की थी, उनको लगा करके पहले से घात लगाए बैठे थे। बच्चों का अपहरण करने के मकसद से बच्चों को खेलने के दौरान उन्होंने अपनी घासें में लिया, उनके बाद उनको बाला फुला कर गाड़ी में बैठा लिया, उसके बाद गेट बंद कर करके गाड़ी में करके खड़ा हो गया। उन्हीं बच्चों में से एक जब जाने के लिए नहीं जा पाए, वो भाग गए, उन्होंने ही इस घटना को लेकर पांच बच्चे ने छह बच्चे वहाँ खेल रहे थे, एक बच्चे बच गए। इन्होंने घटना को उजागर किया और बच्चों को परिजनों को जानकारी दिया। इसके बाद ये मामला लोगों तक पहुंचे कि एक साथ पांच बच्चे जो गए हैं, उनमें से सभी की उम्र की बात अगर हम करें तो सभी की उम्र कहीं ना कहीं 10 से 12 साल के बीच है। और सभी स्कूल के छात्र हैं और स्कूल के आने के बाद वो लोग एक बिल्कुल। अब डब्लू, हम चाहेंगे कि आप जो परिजन आपके आसपास जो मौजूद हैं, गांव वाले ग्रामीण, उनसे बात करें और जाने की कोशिश करें पूरा वाक्य क्या था, किस तरीके से अपहरण हुई, क्या कुछ बच्चा ने उनको बताया है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करें। डब्लू सूरज हाँ ले लेते हैं। डब्लू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जो हमारी बात बड़े आदमी है मेरे बच्चों का जो अपहरण किया गया वो किस मकसद से किया गया है, क्यों किया गया, यही बात समझ से पड़े आइए हटिए ना, कैसे लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बढ़िया अधिकारी नहीं पहुंचे। परिजनों का आक्रोश काफी बढ़ गया है, परिजनों का गोरों के बुरा हाल है। सुना सुना ना, एगो हलो सूरज ठीक, एगो हलो राजा, एगो हलो अभिषेक, एगो सुमित, आरो एगो के छ राजा हो बच्चा की तो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से पांच बच्चों का अपहरण हुआ है और पांच बच्चों का अपहरणकर्ता जो है वो फरार हो गए हैं। काले रंग की ओमनी कार से अपहरणकर्ता आए थे और पांचों बच्चे का अपहरण कर वो फरार हो गए हैं। हालांकि परिजनों में आक्रोश है, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों ने रोड को जाम कर रखा है, प्रशासन कई थानों के वहां पहुंच चुकी है और हालात को काबू में लेने का प्रयत्न किया जा रहा है और फिलहाल पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बात थाना इलाके के लखनपुर गांव की ये घटना है जहां पर पांच बच्चों का अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया है। काले रंग की ओमनी कार से आए थे अपहरणकर्ता और पांचों बच्चों को बहला फुसला कर उन्होंने कार में बैठाया, जिसमें से एक बच्चा जो था वो कार में नहीं बैठा और उसने वो भाग कर अपनी जान बचाई और उस बच्चे ने ये पूरे वाक्य का खुलासा किया है और उस बच्चे ने
इसकी जानकारी दी है। और खबर सीतामढ़ी से, जहां पुलिया में डूबकर तीन बच्ची की मौत हो गई है। पुलिया के पास खेल रही थी सभी बच्ची और रीगा थाना इलाके के रेवासी गांव की यह घटना है। आपको बता दें कि